हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन नोइंग आर नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं आज हम। फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000 मीन्स 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें वैल्यूज पहले लिख के देख लेनी है जिससे हमें इजीली पता चल जाए। 1 लाख लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखना होता है। हमें 1 लाख हम फिगर्स में लिखेंगे। फिगर्स में लिखने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 100 एंड 000, दैट इज 5 जीरोस। 1 एंड 5 जीरो, दिस इज 1 लाख। नाउ 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000 मीन्स 10,000 फिगर्स में लिखना है हमें। अब 10,000 यहाँ पे है तो हम किस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करें, किस फिगर से मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमारा 1 लाख हो जाए। अब हमें जीरोस को काउंट करना है। जीरोस देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 जीरोस हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 जीरोस हैं, यानी कि 1 एक्स्ट्रा 0 है। तो इट मीन्स हम 1 लगा के 1 जीरो लगा देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं देन वी गेट 5 जीरोस, 3, 4 एंड 5 जीरोस, दैट इज इक्वल टू 1 लाख, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 10,000 कितने होने चाहिए, 10,000 होने चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10,000 इक्वल टू 1 लाख। नाउ नेक्स्ट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 1 मिलियन इन फिगर्स। सो 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स हाउ मेनी जीरोज, 0, 0, 0, 6 जीरोस, 6 जीरोस। सो दिस इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 100,000। नाउ 100,000 मीन्स लाइक दिस, 5 जीरोस। सो हाउ मेनी जीरोस एक्स्ट्रा हियर, 1 जीरो एक्स्ट्रा हियर। सो हियर इज 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपके 6 हैं। तो इट मीन्स आपको 1 और 0 से मल्टीप्लाई करने देना चाहिए, देन यू विल गेट 1 मिलियन। 1 मिलियन में आपके 6 जीरोज हैं, यहाँ पे भी आपके 6 जीरोज हो जाएंगे। नाउ 1 करोड़। 1 करोड़ में हमारे जीरोज आ जाते हैं कितने, 7। 7 जीरोज आते हैं 1 करोड़ में, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। 4, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 जीरोस। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 7 जीरोस लगा दिए, यानी कि 1 करोड़ डैश मल्टीप्लाई बाई कितना होना चाहिए, 10 लाख। 10 लाख मीन्स होना चाहिए 10 एंड लाख मीन्स 5 जीरोस। 5 जीरोस के लिए 3, 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कितने जीरो यहाँ पे कम है। यहाँ पे आपके पास है 3, 3, 6, 7 जीरोस और यहाँ पे आपके पास 6 जीरोस हैं। इट मीन्स 1 जीरो कम है, तो 1 एंड 0 लगा देंगे। इट मीन्स 1 करोड़ इक्वल टू 10, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। यहाँ पर भी 1 मिलियन इक्वल टू 10,100,000। नाउ 1 करोड़, 1 करोड़ इक्वल टू मिलियन, हाउ मेनी मिलियंस। 1 करोड़ अगेन वी हैव टू राइट 7 जीरोस, ओके, 3, 6 एंड 7 जीरोस। नाउ व्हाट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस मिलियन, मिलियन मीन्स 6 जीरोस। 1 मिलियन मीन्स 6 जीरोस। अब यहां पे आपके 6 जीरोस हैं और यहां पे आपके पास 7 जीरोस हैं। इट मीन्स अगेन वी हैव टू राइट 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम इक्वल टू दिस 1 करोड़। सो हियर इज ऑल्सो 10। नाउ 1 मिलियन इक्वल टू लैक। 1 मिलियन में कितने लैक्स हैं, 1 मिलियन में हमारे 6 जीरोज आते हैं। हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है, उसमें आपके आते हैं यहाँ पे 6 जीरोज। नाउ डैश मल्टीप्लाई बाई कितना लैक, यहाँ पे 1 लाख है। 1 लाख में कितना जीरोज आ जाते हैं, 1 लाख में हमारे 5 जीरोज आते हैं। ओके, अब यहाँ पे 6 जीरोज है तो आपको कितने लगाने,
एक जीरो और लगा देना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। नाउ प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि आपको पहले कॉमास लगाने हैं उसके बाद उनका नंबर लिखना है आपको फिगर्स में। सो फर्स्ट वी सी दैट दिस ए पार्ट, ए पार्ट। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर नेम लिखा हुआ है, इसका हमें नंबर लिखना है। तो नंबर नेम लिखने के लिए या हम नंबर नेम से फिगर लिखने के लिए, नंबर लिखने के लिए कुछ भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें प्लेसेस ज़रूर लिख लेनी चाहिए। तो इसके लिए ए पार्ट के लिए अगर हम शुरू करें तो हमें सबसे पहले प्लेसेस लिखनी चाहिए, नंबर नेम से कन्वर्ट करना है आपको नंबर में, या फिर आप नंबर से नंबर नेम बनाना चाहते हैं तब भी हम सबसे पहले प्लेसेस ही लिखते हैं, तो बहुत इजी तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप 73 लाख, हमें कहाँ तक लिखना है ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। 73 लाख यानी कि आपको लाख तक जाना है, वो भी 73 इट मीन्स 10 लाख तक जाना है। तो सबसे पहले आप प्लेसेस लिख लीजिए, उसमें हम नंबर्स को अरेंज कर देंगे। वंस टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब नंबर फिट करिए इसमें, 10 लाख, 10 लाख और लाख। ओके, तो यहां पे आपके पास 73 लाख है, तो यानी लाख पे आपका क्या आना चाहिए, 3, 73। सो दिस इज 73 लाख। नाउ 75,000, सो 1000 इज हियर, 75,000। नाउ 307, सो 300 यहाँ पे है, 307 आपका फिगर यहाँ पे आ गया है। हमारा नंबर नेम ये था और उसका हमने फिगर नंबर इजीली लिख लिया है। सो बहुत इजी तरीके से हमने इसको कर लिया है। नाउ बी पार्ट देख लेते हैं आप एक बार। बी पार्ट में अगेन हम वही काम करेंगे, पहले प्लेसेस लिखेंगे, लेकिन कहाँ तक लिखना है यहाँ से देख के डिसाइड करेंगे। 9 करोड़, इट मीन्स हमें करोड़ तक जाना है। सो राइट द प्लेसेस फर्स्ट, 1, 10, 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक लिखा है, 9 करोड़, सो करोड़ पे हमारा आना चाहिए 9, देन 5 लाख, इट मीन्स लैख पे आपका 5 होना चाहिए। तो इट मीन्स ये जगह आपकी बच गई है, प्लेस खाली है, तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं, 5 लाख हो गया है। 41, 41 के लिए आपको कहाँ लिखना होगा, टेंस पे 41, 41 यहाँ पे हो गया, इट मीन्स बाकी जगह पे आपके 0 आने चाहिए। सो दिस इज द नंबर फॉर दिस नंबर नेम। इसी तरह से हम सी डी ई पार्ट भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मीन्स इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉमास लगाने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2 आपके पास ये नंबर है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पहले 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि हमारा पहला पीरियड होता है वंस वाला, उसके बाद हम 2 डिजिट से पहले लगाते हैं, उसके बाद हम फिर अगेन 2 डिजिट से पहले, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे इसका कॉमास लगा दिए हैं। अब कॉमास लगाने के बाद हमें क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेसेस भी लिखेंगे। प्लेसेस लिख देते हैं तो उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से हम उसका नंबर नेम कर पाएंगे। देखिए, 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इजीली हम इसका नंबर नेम लिख पाएंगे। ओके, नाउ करोड़ पे आपका है डिजिट 8। सो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़, 75 लाख, 75 लाख। ओके, नाउ 95,000, ये एक साथ रीड करना है क्योंकि कॉमा
में एक साथ आ रहा है 95,000, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 95,000, नेक्स्ट 762, जो भी आपके प्लेसेस लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, 762, सो 762, इन दिस वे वी कैन राइट द नंबर नेम्स. नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट. बी पार्ट 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3. नाउ पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. सो 1, 2, 3, देन 1, 2, इसके बाद हम प्लेसेस लिखेंगे. 1s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. नाउ 85 lakh, सो राइट हियर 85 lakh, then 46,000, 46,000, two hundred eighty three. इस तरह से हम इसका नंबर नेम लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ए पार्ट हियर फर्स्ट. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. यहां पे आप नंबर को लिख लीजिए पहले. अब जैसे नंबर लिख लेते हैं हम 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2. पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे. तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे 3 डिजिट्स का एक पीरियड होता है, 3 डिजिट्स का ले लेंगे, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे. तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं. उसके बाद हम प्लेसेस लिखेंगे. प्लेसेस होता है 1s, 10s, 100, देन 1000, देन 10,000, 1000, then 10,000 and 100,000, then million, then 10 million. इस तरह से हमने प्लेसेस लिख ली हैं. अब इसके बाद हमें इसका नंबर नेम लिखना है. नंबर नेम लिखने के लिए बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसेस के अकॉर्डिंग रीड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ रहा है 78 million. यहां हम लिखेंगे 78 million, मिलियन वाला हो गया. देन 921, क्योंकि इस पीरियड में आपके 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो हम उसी तरह से इसको लिखेंगे 921. सो 921,000. यहाँ पे 1000 आ रहा है तो हम 1000 लिखेंगे. इसकी प्लेस देख लेंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे लिखना है 921,000. अब यहाँ पे 100 पे 0 है, ओनली 92, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड 92. इसी तरह से हमें बी पार्ट भी कर देना है. ये आपका नंबर नेम हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम. अब यहाँ देख लेते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में अगेन लिखिए नंबर 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3. नाउ प्लेसेस लिखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. Then 100,000, then million. अब आप कॉमास भी लगा सकते हैं 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले. नाउ राइट द नंबर नेम. सो 7 million, 7
मिलियन, बिल्कुल जो प्लेसेस लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, 7 मिलियन 44,52,000, 452,000, टू हंड्रेड एटी थ्री, 200, 283, 83। तो इस तरह से हम नंबर नेम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।